यूट्यूब चैनल देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड को एक्टिव कैसे करें। मतलब बजाज फाइनेंस कार्ड को आप मोबाइल में एक्टिव कैसे करें। आपको फ़ोन में अप्लाई किए होंगे, आपको कार्ड मिला होगा वर्चुअल कार्ड। आपको उसको ऑनलाइन में जब शॉपिंग करते हो, मतलब बजाज कार्ड को फ्लिपकार्ट अमेजन से कुछ परचेस कुछ करते हो, तो उसमें बैंक डिटेल्स नहीं है, तो आप शॉपिंग नहीं हो रहा है, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं वीडियो बनाया हूँ। देखिए, मैं फ़ोन में बहुत ट्राई किया लेकिन फ़ोन में ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसलिए आपको लैपटॉप और कंप्यूटर में जाना है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, प्लीज़। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले बजाज फाइनेंस का जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसको ओपन कर देना है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। उसके आप ऑप्शन में देखिए, कार्ड में लिखा होगा इंस्टा कार्ड। आपको जैसे अप्लाई किए थे सेम वही प्रोसेस है। देखिए, गेट ईएमआई कार्ड लिखा है इंस्टा, तो आपको फ़ोन नंबर डालना है, नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। डालने के बाद अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये ऑफलाइन आप कार्ड आपको दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। मैं अप्लाई करता हूँ, देखिए डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा। देखिए, जिस नंबर पे आपको ओटीपी होगा उस ओटीपी आपको फिल करना है। ध्यान रखना है आपको कि आपका जो मोबाइल पे ओटीपी आने दो, मोबाइल में ओटीपी आ चुका है, मैं फिल कर रहा हूँ। देखिए, मैं ओटीपी 2862, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। देखिए, अभी आपका जो कार्ड मिला होगा, इधर देखिए मेरा कार्ड जो मिला है वो शो हो रहा है, पेमेंट सक्सेस भी दिखा, 530 रुपीज़ में पेमेंट किया था, कार्ड को सब कुछ दिखा रहा है, सक्सेस हो रहा है, लेकिन कार्ड एक्टिव नहीं है, ठीक है। एक्टिव नाउ में क्लिक करेंगे। देखिए, एक्टिव नाउ में क्लिक करेंगे, जैसे आपको ओपन करने टाइम जो भी बैंक का डिटेल्स डाले हो वही बैंक का नंबर इधर डालना है, दूसरे बैंक का नहीं डालना है, नहीं तो नहीं होगा आपका, वही नंबर डालना है बैंक का, ठीक है। डालते हैं IFSC कोड डालना है। डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। मैं IFSC कोड डाल देता हूँ, नंबर जो भी सही नंबर है वही सही नंबर डाल देना है, IFSC कोड डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए, अभी एक ऑप्शन खुल कर आएगा, देखिए ये पर्सनल डिटेल्स मेरा आ चुका है, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा, जिसका नाम होगा, ब्रांच नंबर, सब कुछ आएगा, और दो बॉक्स में आपको टिक मारना है, ठीक है। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए, एक पूछ खुल कर आ गया। अभी यहाँ आपको इंटरनेट बैंकिंग और ATM दिखा रहा है, ATM और डेबिट कार्ड, ATM कार्ड को टिक मार के सबमिट पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए, आपका जो बैंक अकाउंट में जो फ़ोन नंबर में हाई पिन गया होगा, हाई सिक्योरिटी पिन, उसको आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। जिस बैंक में लिंक होगा उस नंबर पे हाई सिक्योरिटी पिन जाएगा, उन नंबर को यहाँ आपको टाइप करना है और कंफर्म में क्लिक करना है। थोड़ा सा मैं टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद कंफर्म में क्लिक करेंगे। देखिए, मेरा ATM कार्ड का सब कुछ डिटेल आ चुका है। आपको सिलेक्ट करना है जो अभी अवेलेबल है ATM कार्ड, ठीक है, उसमें टिक मार के ओके कर देना है। अभी देखिए, ATM कार्ड का कार्ड में जो भी एक्सपायरी डेट है सब कुछ डालना है, ठीक है। जितना तारीख को आपका एक्सपायरी डेट होता है सब कुछ फिल करना है, ईयर्स भी फिल करना है, और कार्ड का नेम जो भी है नेम वही डालना है कार्ड में जो लिखा है, ठीक है। नाम डालने के बाद नीचे जो लिखा है पिन, पिन ATM पिन डालना है, जो पैसे उठाते हैं वही पिन डालना है, CVV नंबर नहीं है, वो पिन डालना है आपको। पिन डालने के बाद नीचे कैप्चर कोड लिखा है, ठीक है, तो कैप्चर कोड को यहाँ फिल कर देना है। फिल करने के बाद प्रोसेस में क्लिक करेंगे, प्रोसेस में क्लिक करेंगे। देखिए, अभी एक सक्सेस पेज आ चुका है और एक पेज खुल जाएगा। देखिए, थोड़ा सा वेट करना। देखिए, अभी बजाज फाइनेंस लिमिटेड आ गया, आपको पेमेंट करना है, मतलब उसी नंबर बैंक डिटेल से 1 रुपीज़ पे करना है। पे करेंगे तो आपका बैंक का लिंक हो जाएगा, तो वाई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर। देखिए, मेरी पेमेंट सक्सेस दिखा रहा है और मेरा कार्ड भी बैंक के साथ लिंक हो चुका है, मतलब कार्ड एक्टिव हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है, वेलकम कस्टमर सक्सेसफुल हो चुका है। अभी देखिए, मेरे कार्ड का डिटेल्स दिखा रहा है,
प्लीज़ वेट। देखिए अभी मेरा कार्ड जो है सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। देखिए अभी ये कार्ड को आप इन नंबर पे आप फ्लिपकार्ट अमेजन से शॉपिंग करेंगे तो आपका सब कुछ ऑर्डर हो जाएगा, तो कहीं ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कार्ड को भी बता रहा है कि आपको कार्ड फर्स्ट टाइम ऑफलाइन ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन गलत है, आपको ऑनलाइन बैंकिंग लिंक कराना है और उसके बाद शॉपिंग कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।